बजती घंटियां, मंदिरों के बाहर सजी फूल मालाओं की दुकान और प्रवेश द्वार पर भक्तों की लंबी कतार, कुछ ऐसा ही नजारा होता है महाशिवरात्रि का। शिव की रात्रि यानी महाशिवरात्रि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। लेकिन ये त्योहार क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है और इसे कैसे मनाते हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। भगवान शिव, महादेव, भोले शंकर, नीलकंठ, जाने कितने ही नामों से जानते हैं हम शिव जी को। पुराणों में भगवान शिव तो भक्तों में भी भोलेनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। शिव जी को प्रसन्न करने और उनसे वरदान पाने का दिन ही है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि से जुड़ी दो प्रचलित कथाएं पौराणिक ग्रंथों में दर्ज है। पहली कथा के अनुसार इसी दिन पहली बार भगवान शिव के शिवलिंग रूप की भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी द्वारा पूजा की गई थी। कुछ जगहों पर तो महाशिवरात्रि का दिन शिव जन्म के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर ही भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। कहते हैं कि इस पावन दिन पर जो भी भक्त शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनता है उसे जीवन में सुख ही सुख मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान कर मंदिर जाते हैं और पूरे विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुछ भक्त तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्र अभिषेक भी करवाते हैं। इस दिन व्रत करने का भी विशेष महत्व होता है। लेकिन पूजा की विधि से लेकर दान पुण्य तक और क्या क्या किया जाता है ये हम आपको बता रहे हैं। महाशिवरात्रि पूजन में शिवलिंग पर हर आवश्यक सामग्री चढ़ाई जाती है। भांग, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, चावल, फल, मिठाइयाँ आदि पूजन सामग्री चढ़ावे के रूप में शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। इसके अलावा लोग शिव परिवार यानी भगवान शिव समेत माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय के वस्त्रों का दान भी ब्राह्मणों को देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन घर के पास के मंदिरों में तो आपको शिव महिमा के चलते भक्तों की भारी भीड़ दिखी जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ बसे शिव के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत और शिव पूजा के अलावा कई ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं, क्योंकि ये दिन शास्त्रों के मतानुसार बेहद शुभ संयोग वाला होता है। इसीलिए इस दिन कुंडली के कई दोषों को शांत करने के उपाय किए जाते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन सभी के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी दिन भगवान शंकर के प्रसाद भांग का भी खुशी खुशी सेवन किया जाता है। तो इस वर्ष महाशिवरात्रि का दिन आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए और साथ ही भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहे, यही हमारी कामना है।